हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान दर्पण बाय राजू सिंह। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर वन है जो, जूते, जो जूते बनाते हैं, जो जूते बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोची। जो जूते बनाते हैं उसे हम लोग मोची कहेंगे। नंबर टू है जो सोने, जो सोने चांदी के गहने, जो सोने चांदी के गहने बनाते हैं, जो सोने चांदी के गहने बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुनार। ओके, नंबर थ्री है जो लकड़ियां, जो लकड़ियां काटता है, जो लकड़ियां काटता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लकड़हारा। लकड़हारा, जो लकड़ियां काटता है उसे हम लोग लकड़हारा कहेंगे। जो लोहे, जो लोहे का सामान बनाते हैं, जो लोहे का सामान बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोहार। जो लोहे का सामान बनाते हैं उसे हम लोग लोहार कहेंगे, या बहुत लोग लुहार कहता है, लुहार, लोहार या लुहार कहेंगे। नंबर फाइव में जो, जो व्यक्ति या जो चित्र बनाता है, जो चित्र बनाते, जो चित्र बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? चित्रकार। जो चित्र बनाते हैं उसे हम लोग चित्रकार कहेंगे। नंबर सिक्स में अब जो कविता लिखता है, जो कविता, जो कविता लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? कवि। जो व्यक्ति कविता लिखते हैं उसे हम लोग कवि कहेंगे। और जो आलस करते हैं, जो आलस करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? आलसी। बहुत सारे लोग आलस करते हैं उन्हें हम लोग आलसी कहेंगे। इसके बाद अब शहर में जो लोग शहर में रहते हैं, शहर में रहने वाले को, शहर में रहने वाले, शहर में रहने वाले को क्या कहेंगे? वाले को हम लोग क्या कहेंगे? शहरी। जो व्यक्ति शहर में रहते हैं उन्हें हम लोग शहरी कहेंगे।
और जो व्यक्ति गांव में रहते हैं यानी कि गांव में यानी गांव में रहने वाले गांव में रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रामीण। जो व्यक्ति गांव में रहते हैं उन्हें हम लोग ग्रामीण कहेंगे। और नंबर 10 में जो शाक सब्जी जो शाक सब्जी खाते हों, जो शाक सब्जी खाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी। उसे हम लोग शाकाहारी कहेंगे। और 11 नंबर में जो जो मांस खाता हो, जो मांस मछली या जो मांस खाता हो, जो व्यक्ति मांस खाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मांसाहारी। उसे हम लोग मांसाहारी कहेंगे। उसके बाद जो अपने देश का हो यानी जिस देश में हम लोग रहते हैं, जो अपने देश का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वदेशी। उसे हम लोग स्वदेशी कहेंगे। और जो जो दूसरे देश का हो, जो दूसरे देश का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जो अपने देश का हो उसे स्वदेशी कहेंगे। और जो दूसरे देश का हो उसे विदेशी कहेंगे। उसे विदेशी कहेंगे। और जो जैसे जिसके मन में दया हो यानी बहुत सारे लोग दया वाले होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? दयालु। जिसके मन में दया हो उन्हें हम लोग दयालु कहेंगे। और इसके बाद नंबर 15 है जैसे कि जो हम लोग जिसके आने की जिस कोई कोई भी व्यक्ति हो जिसके आने की कोई सूचना हो नहीं हो या उसकी कोई तिथि नहीं हो यानी कि कोई भी व्यक्ति है अचानक से आ जाए या जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, ये आ जाएगा कल आएगा या मतलब कोई उसकी कोई दिन आने का निश्चित नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चित न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अतिथि। यानी कि उसका कोई दिन नहीं है, आज भी आ सकते हैं कल भी आ सकते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में गेस्ट बोलते हैं वही अतिथि। ओके, चलिए इसको हम लोग एक बार ऊपर से पढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो जूते बनाते हैं उसे मोची कहते हैं, जो सोने चांदी के गहने बनाते हैं उसे सुनार कहते हैं, जो लकड़ियां काटता है उसे लकड़हारा कहते हैं, जो लोहे का सामान बनाते हैं उसे लुहार या लोहार कहते हैं, जो चित्र बनाते हैं उसे चित्रकार कहते हैं, जो कविता लिखते हैं उसे कवि कहते हैं, जो आलस करते हैं उसे आलसी कहते हैं, शहर में रहने वाले को शहरी, गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहेंगे, जो शाक सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी कहेंगे, जो
मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहेंगे, जो अपने देश का हो उसे स्वदेशी कहेंगे, और जो जो दूसरे देश का हो उसे विदेशी कहेंगे, जिसके मन में दया हो उस व्यक्ति को दयालु कहेंगे। नंबर 15 है लास्ट, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहेंगे। ओके, थैंक यू।